इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट डिविजन करने वाले हैं इस सीरीज़ का ये पार्ट थर्ड है ऑलरेडी टू पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं उन्हें आप प्ले में जाकर देख सकते हैं साथ ही करंट अफेयर्स फंडा ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए यहाँ पर आपको जितने भी हमारे करंट अफेयर्स है सबकी पी हम प्रोवाइड कराते हैं चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की वट इज द थीम फॉर द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय रहा प्ले मेक्स अ बेटर वर्ल्ड हो वन द फॉर्मूला वन कैनेडियन क्रांप्री फॉर्मूला वन कैनेडियन क्रांप्री मैक्सटन ने जीता है हु डिट कार्लोस एल्केज बीट टू विन हिज फर्स्ट फ्रेंच ओपन टाइटल कार्लोस एल्कर ने अपना पहला फ्रेंच ओपन किताब जीतने के लिए एलेक्सेंडर जेवरेव को हराया हु वोन नॉर्वे चेस 2024 इन ओपन सेक्शन ओपन सेक्शन में नॉर्वे सतरंज 2024 मैग्नस चौबीस कार्लसन ने जीता मीडिया पैरोन चेरुकुरी रामोजी राव पास अवे एट 87 सेवन राव वॉज ऑनर्ड विद विच प्रेस्टीजियस अवार्ड इन 2016 मीडिया दिग्गज चेरुकुरी रामोजी राव का सतासी वर्ष की उम्र में निधन हो गया राव को दो में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था विच कंट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस सो so, चीन हाल ही में लॉन्च किए गए बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का हिस्सा नहीं है विच रेस्टोरेंट इन मुंबई रैंक सेवेंटी एट इन द वर्ल्ड हंड्रेड बेस्ट रेस्टोरेंट लिस्ट इन ट्वेंटी ट्वेंटी में विश्व के सौ सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरों रेस्ट रेस्ट की सूची में मुंबई का मॉस्क जो रेस्टोरेंट है ये अठहत्तरवें स्थान पर है हु हुम द ई वाई वर्ल्ड एंट्रप्रेनर ऑफ द ईयर ट्वेंटी फोर ई वाई वर्ल्ड एंट्रप्रेन ऑफ द ईयर दो से सोबिया को नामित किया गया टू कंट्रीज आर अहेड ऑफ द नीदरलैंड एज इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन ट्वेंटी फोर दो हजार तेईस चौबीस में भारत के सबसे बड़े निर्यात गंतव्य के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड अरब अमीरात ये दो देश नीदरलैंड से आगे हैं विच ऑटोमेकर इज लॉन्चिंग द वर्ल्ड फर्स्ट ई वी बैटरी पासपोर्ट सो वाहन निर्माता वॉल्वो कार्स दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च कर रहा है Which Real Madrid forward was named the Champions League's Player of the Season by UEFA? UEFA एफ ए यू ई एफ ए द्वारा रियल मैड्रिड के फॉरवर्ड खिलाड़ी विनीसियस जूनियर को चैंपियंस लीग के प्लेयर ऑफ द सीजन नामित किया गया वट इज द टोटल प्राइज पर्स announced बाय आई सी सी फॉर 2024 ट्वेंटी फोर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हज़ार चौबीस टी ट्वेंटी विश्व कप के लिए आई सी सी द्वारा घोषित कुल पुरस्कार राशि है इलेवन पॉइंट टू फाइव मिलियन यूएस डॉलर वट वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन द आरबीआई इनकम फॉर फिस्कल ट्वेंटी फोर 24 ट्वेंटी फोर के लिए आरबीआई की आय में सत्रह प्रतिशत की वृद्धि हुई है वेर डिड नरेंद्र मोदी टेक ओव फॉर द सेकेंड फॉर अ थर्ड स्ट्रेट टर्म एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है राष्ट्रपति भवन न्यू डेली में प्रेम सिंह तमांग पी एस कोले सोनी ने एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट प्रेम सिंह तमाग पी एस कोले ने सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हु इज द न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफिस ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स नए एक केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं मानसुख मांडविया हु वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल एट द हेलप्रॉन नेकर कप ट्वेंट ट्वेंटी फोर ए टी पी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट हेल प्रॉन नेकर कप दो हजार चौबीस ए टी पी चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट है पुरुष एकला खिताब सुमित नागल ने जीता हु इज द फर्स्ट मिक्सड मार्शल आर्ट UFC. UFC मुकाबले भारत के पहले मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर हैंडल एट दी एस एस एफ वर्ल्ड कप ट्वेंट ट्वेंटी फोर सरबजोत सिंह ने आई एस एस एफ विश्व कप दो हजार चौबीस में मैं टेन मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता द नागी एंड नागटी बर्ड सेंचुरी फ्रॉम विच स्टेट आर नाउ एडेड टू द राम सर लिस्ट सो बिहार राज्य के नागी और नागटी

मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेक रिगार्डिंग द रेपो रेट इन जून भारतीय रिजर्व बैंक की नीति समिति ने जून में रेपो रेट को लेकर क्या फैसला लिया सही आंसर ऑप्शन डी है इसने अनचेंज रखा है सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट पर एडिशनल चार्जेज डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल है कमल किशोर सोन ने वट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम नेटवर्क फॉर एप्लीकेंट्स टू बी रिकॉन्नाइज्ड एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेइजेशन इन द फिनटेक सेक्टर विदिन अ ईयर एक वर्ष के भीतर फिनटेक क्षेत्र में स्व नियामक संगठनों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदकों के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल मूल्य है दो करोड़ रुपये वट वॉज द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स फॉर अप्रैल ट्वेंटी फोर अप्रैल दो हजार चौबीस के लिए औद्योगिक शर्मियों के लिए अधखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रहा वन थर्टी नाइन पॉइंट फोर व्हाट ज द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स फॉर अप्रैल 2024 अप्रैल 2024 के लिए कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रहा वन टू सिक्स थ्री वेनिज वर्ल्ड एक्रिडेशन डे सेलिब्रेटेड विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है नौ तो जून को According to Moody's ratings, how much investment will India need to meet its target of 500 gigawatt of renewable energy by 2030? Moody's ratings के अनुसार भारत को 2030 तक 500 gigawatt नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 350 billion US dollar की आवश्यकता होगी. Which university gained the top spot in India in the latest QS World University Ranking? नवीनतम QS World University Ranking में भारत में IIT Bombay ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया. मोहन चरण मांझी स्वर्ण ने चीफ मिनिस्टर ऑफ एच स्टेट मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली वट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दो हजार चौबीस में विश्व बाल श्रम दिव बाल श्रम निधि निषेध दिवस का विषय रहा लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर वट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल एल्बेनिज्म अवेयरनेस डे इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दो हजार चौबीस में अंतर्राष्ट्रीय एल्बेनिज्म जागरूकता दिवस का विषय रहा टेन ईयर्स ऑफ आई ए ए डी अ टेकेट ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इन इंडिया भारत में अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया उपेंद्र द्विवेदी को विच इंडियन नेवी शिप अराइव at Yokosuka, Japan सुका जापान टू पार्टिसिपेट इन द एर्थ एडिशन ऑफ जापान इंडिया एक्सरसाइज जापान भारत समुद्री अभ्यास के आठवें संस्करण में भाग लेने के लिए आई एन एस सी वालिक जापान के यो पहुंचा हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हैं वट इज द थीम ऑफ द वट इज द नेम ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मालावी हु वॉज किल्ड इन द प्लेन क्रैश विमान में मारे गए मालावी के उपराष्ट्रपति का नाम है सौलोस चिलिमा विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन एडेड बाय द यू एन टू द ग्लोबल लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स कमिटिंग क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इसराइल को बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में जोड़ा है हु इज द फर्स्ट क्रिकेट सिक्स हंड्रेड सिक्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छह सौ छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा Which organization launched the bank clinic website? So, All India Bank Employees Association ne bank clinic website launch ki Which organization signed an MOU with the Indian National center for Ocean Information Services to empower the inhabitants of coastal areas? So, Reliance Foundation ने तटीय क्षेत्रों के निवासियों को सशक्त बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के साथ एक समझौता या परंपरत्व शर्त किए। Adani Ports has signed a thirty-year कंसेशन पैक टू ऑपरेट टर्मिनल एट दार्सलम पोर्ट इन विच कंट्री अदानी पोर्ट्स ने तंजानिया में दार बंदरगाह पर टर्मिनल संचालित करने के लिए 30 साल के रियायत समझौते हस्ताक्षर किए हैं विच ऑर्गेनाइजेश डेवलप्ड यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो सो एफ एस एस ए आई एंड एपेडा ने यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो विकसित किया अडानी वन एंड विच प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग कोलेब्रेशन विद वीजा लॉन्स इंडिया फर्स्ट को ब्रांटेड कार्ड्स विद एयरपोर्ट लिंकड बेनिफिट्स अडानी वन और आईसीआईसी बैंक ने वीजा के सहयोग से हवाई अड्डे से जुड़े लाभों के साथ भारत का पहला सेव रेंडेड ट्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्गठित लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष हैं जस्टिस हीमा कोहली

When इज द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड विश्व रक्तदाता दिवस चौदह जून को मनाया जाता है हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान In कंट्री विल द एफ आई एच Men's Junior जूनियर वर्ल्ड कप be ट्वेंटी फाइव Hockey ऑर्गेनाइज एफ आई एच पुरुष जूनियर विश्व कप दो हज़ार पच्चीस का आयोजन इंडिया में होगा Which countries have been elected as non-permanent members of the UN Security Council for a two-year term beginning in 2025? 2025 से शुरू होने वाले दो साल के कार्यकाल के लिए पाकिस्तान सोमालिया डेनमार्क ग्रीस एंड पनामा को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया विच कंट्री इन साउथ अमेरिका इज द फर्स्ट टू Unified पेमेंट इंटरफेस टेक्नोलॉजी दक्षिण अमेरिका का पेरू देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तकनीक अपनाने वाला पहला देश बना है हु हैज़ बिन ऑनर्ड वि हिंदी साहित्य भारती अवार्ड हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से कृष्णा प्रकाश को सम्मानित किया गया विच स्पेस टेलीस्कोप डिस्कवर्ड द अर्लिएस्ट नॉन गैलेक्सी जेट्स जी एस जेड वन फोर जीरो सो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में जेट्स जी एस जेड वन फोर जीरो आकाश गंगा की खोज की विसिटी हॉस्टेल थर्ड इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस की मेजबानी की गई देहरादून में विज बैंक हैज पार्टनर विद इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ की है विच फिनटे फॉर्म हैज पार्टनर विद राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिकमी टू एनेबल यू पी आई बेस्ड पेमेंट्स सो फिनटेक फॉर्म फोनपे ने यूपीआई आधारित भुगतान को सक्षम करने के लिए राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिकमी के साथ साझेदारी की विच कंपनी अपॉइंटेड समीर बंसल एसेट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव सो पी एन बी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने समीर बंसल को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया विच बैंक है को लैंडिंग पैक्ट विद अश्व फाइनेंस फॉर एमएसएमई सो एच डी एफ सी बैंक ने एमएसएमई ऋण के लिए अश्व फाइनेंस के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं विच ऑर्गे बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाई द एशियन बैंकर सो सेबी को एशियन बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार प्राप्त हुआ हाउ मच अमाउंट विल एस बी आई debt थ्रू डेट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर चालू वित्त वर्ष में एस बी आई कर्ज के जरिए थ्री बिलियन इन्वेस्ट डॉलर की रकम जुटाएगा Which कंपनी developed द न्यू Alzheimer's drug कोल्ड डोना नेब सो एलि ने डोना नामक एल्साइर की नई दवा विकसित की पेमा खांडू व सोनी नैंस द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स आर देयर इन द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नवनिर्वाचित लोकसभा में चौहत्तर महिला सदस्य हैं इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड विच कंट्री इज द फर्स्ट भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है प्रथम है चाइना आफ्टर मॉरिशस विच कंट्री नाउ हैज अप्रोच इंडिया टू सेटअप जन औषधि केंद्र इन दर कंट्री मॉरिशस के बाद अब नेपाल ने अपने देश में जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से संपर्क किया है विश्व बैंक हैज लॉन्च एस एम ई एस एम ई डिजिटल बिजनेस लोन्स सो so, ई ने एस एम ई डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया आर द नेम्स ऑफ द द थ्री डिस्कवर्ड क्रेटर्स इन ने रीजन ऑफ मार्स मंगल ग्रह के ज्वालामुखी क्षेत्र में हाल ही में खोजे गए तीन क्रेटरों के नाम है लाल मुरसान एंड हिलसा वट इज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ट्वेंटी फोर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स दो हजार चौबीस में भारत की रैंक एक सौ उनतीस विच स्टेट द लोवेस्ट वोटर टर्न आउट इन द्वेंट ट्वेंटी फोर लोकसभा इलेक्शन दो हजार चौबीस के लोकसभा चुनाव में बिहार में सबसे कम मतदान हुआ विच पोर्ट क्रींज द टॉप स्पोर्ट इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 ट्वेंटी थ्री कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में यंगशन पोर्ट ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं यहां पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्वेश्चन में आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की पेश दी गई इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ फेलो एसप्रेन के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा थैंक यू गाइस